वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंफोसिस लिमिटेड कंपनी के बारे में। काफ़ी अच्छी कंपनी है ये, जो कंपनी है आईटी क्षेत्र में दूसरे नंबर पर आती है। काफ़ी अच्छी कंपनी है। अब इसका एनालाइज कर देते हैं कि ये कैसी कंपनी है और इसके जो टारगेट्स हैं कितने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 52 वीक से पहले की बात करते हैं। इसका जो टारगेट था 509 रुपये था और वो बढ़ के 52 वीक के बाद 1392 रुपये हाईएस्ट पे हो गया। ये था इसका अच्छा परफॉर्मेंस। 1392 रुपये हाई परफॉर्मेंस इसने पार किया 52 वीक के अंदर, और इसकी जो परफॉर्मेंस 1.67 की गति से इसने पार किया है। जब इस कंपनी ने शुरुआत की थी तो इस कंपनी का जो शेयर था मात्र 15 पैसे था 1993 के अंदर। उसके बाद से ये कई दिन तक नीचे रहा, उसके बाद से ये ऊपर चला गया। सबसे ये मिडली रहता है 500-600 के बीच में, लेकिन पहली बार ये 1392 रुपये इसने क्रॉस किया है। अब हम बात करते हैं इसके शॉर्ट टर्म ड्राइवर्स के बारे में। इसके मिडली पॉजिटिव हैं और लॉन्ग टर्म ड्राइवर मिडली पॉजिटिव मतलब कह नहीं सकते, क्योंकि इसने पहली बार ये अचीवमेंट की है। क्योंकि इस कंपनी की जो 1993 में शुरुआत हुई थी तो वो 15 पैसे था। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की, तो इसकी बुलिश और न्यूट्रल आसपास है, इसलिए थोड़ा रिस्की रह सकता है। अब हम बात करते हैं डायरेक्टिव्स, इसकी जो वॉल्यूम है काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स। क्वालिटी काफ़ी एक्सीलेंट है और दूसरी कंपनी है आईटेक क्षेत्र में TCS के बाद। सॉफ्टवेयर सेक्टर में वैल्यूएशन एक्सपेंसिव और फाइनेंशियल ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है, जिसकी वजह से शेयर करता हूँ काफ़ी अच्छा चढ़ चुका है। 1392 तक इसने हिट किया है। अब हम बात करते हैं इसकी नेट सेल। नेट सेल है इसकी 26,000 करोड़ के आसपास, और क्वार्टरली है 7500 के आसपास, और लेस यदि होता है तो 6500 करोड़ के आसपास होता है। अब हम बात करते हैं स्टॉक के रिटर्न्स के बारे में। रिटर्न्स है 80% के आसपास, सेक्टर में 62% और सेंसेक्स में 19% के आसपास योगदान है। इंडस्ट्री क्या है, सॉफ्टवेयर आदि बनाती है, आईटी कंपनी है, और इसकी मार्केट कैप है 5,80,646, मतलब TCS से थोड़ी सी कम है। और इसका पी रेशियो अभी 32 पे चल रहा है, पहली बार इसका जो रेशियो है 32 पे चल रहा है। नॉर्मली इस शेयर के जो शेयर हैं 500 से 600 के बीच में रहते हैं, लेकिन पहली बार इसने इतना हिट किया है। अब बात करते हैं इसके प्रोमोटर्स के बारे में। प्रोमोटर 13% है, काफ़ी कम है, TCS से कम है, और नॉन इंस्टीट्यूट्स में इसका योगदान ज़्यादा है, TCS से ज़्यादा है, 30% तक का योगदान है। काफ़ी अच्छी कंपनी है। ये थी इंफोसिस कंपनी की पूरी डिटेल। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।